Hello everyone and welcome to Achieve IAS. My name is Akash Vijayan और आज है 24 दिसंबर 2020, ठीक है? और अब समय हो गया है द हिंदू की एनालिसिस का, ठीक है? तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहला आर्टिकल आपका केन एनर्जी से रिलेटेड है. आपको पता है कि इंडिया का और केन एनर्जी जो आपकी कंपनी है, केन एनर्जी जो आपकी यूके की जो कंपनी है इंडिया की, उसके बीच में एक केस चल रहा था, ठीक है? कहाँ पर? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहा था. अब जो उसका जजमेंट आ चुका है और वो आपका आया है केन एनर्जी के फेवर में, ठीक है? तो अब ऐसा उन्होंने कहा है, जो आपका जजमेंट आया है उसमें इंडिया को $1.4 बिलियन केन एनर्जी को लौटाने की बात उसमें कही गई है, ठीक है? आपके जो ट्रिब्यूनल था इसमें आपके 3 सदस्य थे, मतलब तीन जो है 3 मेंबर की बेंच थी. इसमें आपका एक इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है? इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के भी नॉमिनी थे. तो उन्होंने इसको जजमेंट को दिया जिसमें उन्होंने इंडिया की जो डिमांड थी 10,247 करोड़ की, जो इंडिया ने डिमांड की थी, ठीक है, उसको जो है इंडिया ने उस डिमांड को जो है ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल ही इनवैलिड बता दिया है, ठीक है? उन्होंने कहा इंडिया फेल टू अकॉर्ड केन एनर्जीज इन्वेस्टमेंट फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट अंडर द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पैक्ट इट हैड विद द यूके. तो मतलब जो जो मतलब इंडिया जो है इंडिया बिल्कुल ही असमर्थ रहा है केन एनर्जी के साथ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट करने में, ठीक है? और आपको पता है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पैक्ट जो साइन कर रखा था यूके के साथ इंडिया ने, ठीक है? तो मतलब बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग में इंडिया ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, ठीक है? जो बिहेवियर था, जो डिमांड थी, वो बिल्कुल ज्यादा इनवैलिड थी, ठीक है? और जो ऑर्डर था वो आपका है 582 पेज ऑर्डर का. ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने वैसे ही बता दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है? जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू डिजिस्ट फ्रॉम सीकिंग सच टैक्स एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है? तो इंडिया को मतलब ट्रिब्यूनल ने यही कहा है कि गवर्नमेंट को जो है इस तरह के टैक्स डिमांड से पीछे हटना चाहिए, ऐसी टैक्स डिमांड नहीं करनी चाहिए, और जितने भी शेयर जो उन्होंने बेचे हैं उन शेयर को वापस लौटा देना चाहिए, और जो डिविडेंड जितना भी इन्होंने सीज किया है वो सब कुछ वापस दे देना चाहिए. द गवर्नमेंट वॉज आस्क टू कॉम्पेंसेट केन फॉर द टोटल हार्म सफर, ठीक है? और एक मुआवजा देने की बात भी कही है कि जो सरकार है उसको कंपनी को कॉम्पेंसेट भी करना चाहिए, उसको मुआवजा देना चाहिए. While the order does not contain a provision for challenge or appeal, the government said it would study the arbitration award and will consider all options. ठीक है, तो government के statement से यही लगता है कि government जो है फिर से इसको शायद नहीं मानेगी इस order को, और कहीं ना कहीं फिर से शायद appeal करने की कोशिश appeal करे या फिर कोई और route अपनाए या कुछ और करने की कोशिश करे, ठीक है? लेकिन अभी के statement से हमें ऐसा लग रहा है कि government जो है इस judgment को नहीं मानेगी, ठीक है? और केन अकॉर्डिंग टू पीपल अवेयर ऑफ द मैटर कैन यूज द आर्बिट्रेशन अवार्ड टू अप्रोच कोर्ट्स टू सीज एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिया ओवरसीज टू रिकवर द मनी इफ द अवार्ड इज नॉट ऑनर्ड, ठीक है? तो अब जो केन कंपनी आपकी वो कहीं ना कहीं इस अवार्ड का इस्तेमाल करके उसको कोर्ट में इस्तेमाल कर सकती है, जिससे कि वो इंडिया ने जो ओवरसीज में जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मतलब इंडिया के द्वारा जो ओन्ड प्रॉपर्टी है ओवरसीज विदेशों में, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए अगर ये जो आपका ये जो आपका अवार्ड है इसको ऑनर नहीं किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका है फ्री फेयर एंड सेफ एज द इलेक्शन मोटो, ठीक है? तो फ्री फेयर आपको पता है फ्री और फेयर हम सुनते हैं तो हम जो कि जितने भी सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके दिमाग में आता है फ्री फेयर, और आगे ब्लैंक छोड़ दोगे ना तो वो आगे फिल कर देंगे इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है? मतलब इतना ये वर्ड जो है इलेक्शन के साथ इस्तेमाल हो चुका है SST के बच्चों के लिए, ठीक है, फ्री फेयर इलेक्शन. तो अब लेकिन यहाँ पे फ्री फेयर सिर्फ खत्म नहीं हो रहा, हमारे आर्टिकल में आज फ्री एंड फेयर के बाद एक और है सेफ, ठीक है? तो अब ये सेफ किस कंटेक्स्ट में है हम ये आज इसमें इलेक्शन इस आर्टिकल में देखते हैं, ठीक है? आर्टिकल बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये मेरे को तो काफी अच्छा लगा, ठीक है? लेकिन इस आर्टिकल में कुछ ऐसी लाइन्स हैं जिनको आप जो है अपने आंसर में डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. इफ द नोवल कोरोना वायरस कैन म्यूटेट ऑन द ब्रिटिश इजल्स इट कैन डू सो एनीवेयर एनी टाइम. आपको पता है कि यूके में आपका कोरोना वायरस जो है म्यूटेट कर चुका है, उसका जो स्ट्रेन है वो बिल्कुल ही अब अलग हो चुका है, ठीक है? और उसको जो है पहले से भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल बता रहे हैं उसको, ठीक है? तो इनका कहना है कि ये आपका जो कोरोना वायरस है ये कहीं पे भी म्यूटेट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है ब्रिटेन में ही ये हो. इनफैक्ट इट विल बी अ वंडर इफ इट डज नॉट, ठीक है? और ये तो मतलब बहुत अच्छी बात होगी कि अगर ना ही म्यूटेट करें. एंड सो वट एवर वी डू इंडिविजुअली और कलेक्टिवली वी शुड नॉट दैट वी डू सो स्टैंडिंग ऑन अ रेजर्स एज, ठीक है? तो इस बात को लेकर हमें हाईली कॉशियस होना चाहिए कि हम जो भी चीज करेंगे वो हम लोग रेजर के एज पे बिल्कुल खड़े होकर करेंगे, ठीक है? मतलब बिल्कुल ब्लेड पे खड़े होकर करेंगे. हमने हल्का सा भी अगर कदम इधर या उधर गलत रखा
तो कहीं ना कहीं हार्म होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस इज हाई ऑन द लिस्ट ऑफ दैट प्रिकेरियस कंडीशन, ठीक है। और होल्डिंग ऑफ इलेक्शन उन्हीं कुछ चीजों में से एक है जहां पे अगर हमने एक भी कदम इधर या उधर रखा तो हार्म होना बिल्कुल ही पक्का है, ठीक है, कंफर्म है बिल्कुल। तो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ओवरलैपिंग विद द पेंडेमिक इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड अक्रॉस द ग्लोब। पता है कि बेशक पेंडेमिक आया, लॉकडाउन लगे, लेकिन इलेक्शन जो है कहीं भी नहीं रुके। इलेक्शन जो है हर देश में हुए, ठीक है, हर देश में। अगर लोकल इलेक्शन हुए तो लोकल इलेक्शन भी जो है हर देश में हुए। आपको पता है कि साउथ कोरिया में सब कुछ स्टार्ट हुआ था, साउथ कोरिया में ये इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। और आपको पता है कि उस वक्त जो है बहुत सारे देश में ये सब स्टार्ट ही हुआ था, ये जो आपका जो कोरोना वायरस है सब उस टाइम पे तो बहुत सारे देशों में स्टार्ट ही हुआ था, जब वहाँ पे साउथ कोरिया ने इलेक्शन भी कंडक्ट करवा लिए थे, ठीक है। उस बात को लेकर साउथ कोरिया की बहुत ज्यादा तारीफ भी की गई थी कि साउथ कोरिया का मॉडल हमें अपनाना चाहिए, बहुत सारे देशों ने इस बात को रखा था, ठीक है। तो यूएस में भी इलेक्शन हो गए, इंडिया में भी आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन बिहार में करवा दिए गए, ठीक है। और इससे क्या है, बहुत सारे लोग आए, वोट देने के लिए भी आए, तो लोगों का रिस्पॉन्स आया ना वो भी बहुत पॉजिटिव आया। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर ही नहीं आए, लोग जो है कोविड की वजह से घर में ही रहे कि हम नहीं जाएंगे वोट देने। बहुत भारी भरकम अमाउंट में जो है लोग आए, रैली में पार्टिसिपेट भी किया, ठीक है। मिलियंस हैव वोटेड इन नो लेस देन 34 कंट्रीज, कम से कम 34 कंट्रीज में जो है, 34 कंट्रीज में जो है आपका इलेक्शन देखने को मिले, चाहे वो आपकी नेशनल लेवल इलेक्शन हो, चाहे फिर आपके वो लोकल इलेक्शन हो, ठीक है। न्यूजीलैंड में भी आपके इलेक्शन हुए थे। और एक यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी एक लाइन का इस्तेमाल किया गया है, लाइफ ब्रेथ ऑफ डेमोक्रेसी। और लाइफ ब्रेथ ऑफ डेमोक्रेसी किसको बताया गया है, इलेक्शन को, ठीक है। क्योंकि एक डेमोक्रेसी रियल टर्म्स में जब तक ही डेमोक्रेसी रहती है जब तक वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर वहां पर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेसी फिर कहीं से नहीं रह जाएगा, फिर वो किसी और एक दिशा में चला जाएगा, ठीक है। फिर वो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो ऑथोरिटेरियन बन जाए, चाहे वो आपका मोनार्क मोनार्की बन जाए, ठीक है, या कुछ भी बन जाए, या ताना डिक्टेटरशिप हो जाए कुछ। दे हैव शोन दैट फियर ऑफ एंडेंजरिंग वंस हेल्थ वंस वेरी लाइफ इज नॉट गोइंग टू कम इन द वे ऑफ एक्सरसाइजिंग पोलिटिकल राइट, ठीक है। तो मतलब ये जो लोगों का रिस्पॉन्स आया ना उससे हमें साफ साफ पता चल गया कि लोगों को अपनी हेल्थ का इतना इतना वो डर नहीं है कि उनकी हेल्थ पे खतरा बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा जो खतरा है ना वो भी उन लोगों को अपना राइट टू वोट का जो अधिकार है, जो मतलब एक राइट भी है और एक ड्यूटी भी है एट द सेम टाइम, ठीक है, उसको एक्सरसाइज करने से नहीं रोक रहा बिल्कुल भी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मिलियंस हैव शोन ऑन कॉन्टिनेंट आफ्टर कॉन्टिनेंट दैट लाइफ इज टू बी प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड बट दैट अ लाइफ विदाउट लिबर्टी इज नॉट अ लाइफ वर्थ प्रोटेक्टिंग, ठीक है। तो मतलब इन इलेक्शन से ना यही पता लगता है, जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है ना उससे हमें यही पता लगता है कि ठीक है भाई, लोगों ने हमें शो कर दिया है कि एक लाइफ जो है वो उसकी प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। लेकिन जिस लाइफ में हमारे पास लिबर्टी ना हो, हमारे पास लिबर्टी ही ना हो कि हम अपने पसंद की सरकार चुन सकें, ठीक है, अपनी लिबर्टी के साथ रह सकें, तो वो जो लाइफ होगी ना वो प्रोटेक्शन देने के वर्थ रहेगी ही नहीं, ठीक है, रक्षा करने लायक ही वो जिंदगी नहीं होगी, ठीक है। जिस जिस जिंदगी में हमारे पास लिबर्टी नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे उस लाइफ की रक्षा करके, यार कोई फायदा होगा ही नहीं। सच्ची में यहाँ पे कोई मेरिट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अपने ऊपर। सब पर्सनली अगर उस लाइन को अगर अप्लाई करके देखेंगे ना तो सबका बिल्कुल यही रहेगा कि अगर हमारे पास लिबर्टी नहीं है तो हमें लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करना, हम क्या करेंगे फिर करके, ठीक है। सो इट बिकम्स क्रूशियल दैट एज एंड व्हेन इलेक्शंस आर अनाउंस्ड एनीवेयर दे आर कंडक्टेड विद जील एंड रीड द वर्ल्ड केयर एज टू द वायरस चैलेंज, ठीक है। तो मतलब ये फिर बहुत क्रूशियल हो जाता है कि अगर आप इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसको आप अच्छे तरीके से करवाइए और एक हाई लेवल की केयर के साथ करवाइए, क्योंकि आपके पास अब वायरस का चैलेंज भी एक नया आके जुड़ चुका है। एलिमेंट्स डेट मैटर व्हेन द टू इलेक्शन एंड इन्फेक्शन कोइंसाइड द सिटीजनरी हैज टू एक्सरसाइज इट्स फ्रेंचाइजी विद द कमिटमेंट टू पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। तो अब जब इलेक्शन और इन्फेक्शन जो है एक साथ अगर होंगे, ठीक है, इंडक्शन के टाइम पर इलेक्शन हम कंडक्ट करवाएंगे तो जो आपके सिटीजन है, जो आपके वोटर्स हैं, उनके पास उनको अब अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम से भी कमिटमेंट कमिटेड रहना है, ठीक है। और उसके साथ साथ उनको पैंडेमिक के जो एसओपीज हैं या के प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ भी कॉम्प्लायंस पूरी पूरी दिखानी है, ठीक है। और जिसके साथ तो हम बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल भी हम लोग कॉम्प्लायंस से भटक नहीं सकते, ठीक है। द इलेक्शन जस्ट कंक्लूडेड इन बिहार शो अस दैट इंडिया कैन हैंडल दैट कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब इलेक्शन बिहार में हुए, बिहार में आपको बताया था इलेक्शन हुए थे, तो बिहार इलेक्शन से हमें ये पूरा पूरा मिल गया है कि इंडिया जो है
इंडिया में इलेक्शन इस टाइम पे करवाए जा सकते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली करवाए जा सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फेस्ड विद द एग्जिस्टेंशियल इशू टू इलेक्शन बी हेल्ड इन पेंडेमिक। ईसीआई जो हमारी है इंडिपेंडेंट बॉडी, पावरफुल बॉडी, ठीक है, उसके सामने क्वेश्चन आया कि क्या पेंडेमिक के वक्त इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ईसीआई ने क्या डिसीजन लिया ये सबको पता है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, कन्वेंशन भी आ चुका है, ठीक है। तो ईसीआई ने जो है बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया, ठीक है। फॉर्चुनेटली द ईसीआई डिड नीदर स्टॉप इट्स मैंडेट नॉर लॉस इट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरेशी, एस वाई कुरेशी का नाम सुना होगा आप सबने, काफी फेमस थे ये, ठीक है। उन्होंने एक आर्टिकल में कहा भी था बिहार कैन बी लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू सक्सेसफुली कंडक्ट अ पोल इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। तो बिहार जो है सक्सेसफुल इलेक्शन के लिए एक सक्सेसफुल जो है एक आपका एग्जाम्पल बनकर उभर सकता है, जो दिखाए कि मुश्किल समय में भी आप लोग कैसे जो है लाइफ ब्रेथ ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। To leave nothing to chance, the ECI consulted its counterparts in several countries. और ECI ने जो है अपने जो आपके बाकी देशों के जितने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, जो मतलब इलेक्शन जो आपके बाकी देशों के आपके थी आपकी बॉडी थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की काउंटर पार्ट थी, मतलब उन्हीं की जैसी जैसी बॉडी, चाहे वो आपकी अमेरिका की हो चाहे किसी और देश की हो, तो उनको उनके साथ जो है बातचीत की, उनसे जो है उनकी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा, ठीक है, ताकि वो जो है एक मिक्सड प्रोटोकॉल बना सके और जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा प्रूफ हो, ठीक है, जो हो भी हो, जो हुआ भी बिहार के इलेक्शन में, ठीक है। द फोर्थ कमिंग इलेक्शन विद द अपीयरेंस ऑफ वेरिएंट ऑफ द वायरस इन ब्रिटेन, प्लान्स एंड प्रोग्नोसिस हैव टू बी रीअप्राइज, ठीक है। तो अब नया वेरिएंट आ चुका है कोरोना वायरस का, नया मॉडल आ चुका है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं हमें प्लान्स को सबको रीअप्रेज करना है, उनको फिर से रीचेक करना पड़ेगा, उनको फिर से रिव्यू हमें देना पड़ेगा, ठीक है। हु कैन टेल व्हेन एंड हाउ हार्ड द न्यू वेरिएंट और अदर्स ऑफ दैट काइंड विल अकर एल्सवेयर एंड इन इंडिया, ठीक है। तो किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर वो ब्रिटेन में अगर म्यूटेट हुआ है तो इंडिया में भी हो सकता है, उसकी पूरी पूरी संभावनाएं हर जगह हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इलेक्शन अब कहाँ कहाँ होने वाले हैं आपके, ठीक है, नियर फ्यूचर में केरला में आपके, तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फिर से जो है प्लान्स को देखना पड़ेगा। बट इफ इलेक्शन डू नॉट टेक डू टेक प्लेस एज पर प्लान इन इट इज इम्पेरेटिव दैट ईसीआई फैक्टर्स द वायरस इनटू एवरी स्टेप, ठीक है। अगर ईसीआई अब इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर एक स्टेप में जो है वायरस को ध्यान में रखते हुए ही सारे प्लान और सारे प्रोसीजर्स जो है बनाने पड़ेंगे, ठीक है। It will have to play equal attention to it will have to pay equal attention to both the election and the infection, ठीक है, election and infection दोनों पे जो है बराबर का ध्यान देना पड़ेगा। और आपको पता है हमारे constitution में article number 21 है, fundamental right जो हमारा, ठीक है, उसको justice वी आर कृष्ण अय्यर ने कैसे describe किया था, the procedural magna carta protective of life and liberty, ठीक है। आपको पता है article 21 हमारा है ना, जो हमारा protection of पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी जो आपका, ठीक है, आपको पता है बहुत इसका जो स्कोप है वो कितना बड़ा है, इसमें बहुत सारे आपके राइट्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका एक फेमस केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। अगर आप आंसर में अगर ये केस लिखते हैं ना आप लोग, मैंने पहले भी बताया है, अगर आप आंसर में जो है केसेस फेमस केस के नाम लिखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है, अच्छे मार्क्स जो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 21 में जो आपका राइट टू लाइफ है ना, ठीक है, उसमें आपका राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ या फिर राइट टू लाइफ ये जो दोनों ही है ये हमारे फंडामेंटल राइट है, तो इनकी प्रोटेक्शन जो है स्टेट को करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये लाइन देखिए, अब ये वाली ये लाइन है ना जो आपकी ये ठीक है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। When an individual's participation in a public activity arranged by the state and supervised and administered by a body set up under the constitution, ठीक है, अगर मान लीजिए एक individual जो है वो public activity में participate कर रहा है, जिसको arrange किया है government ने वहाँ के state वहाँ के उस country में, ठीक है, और उसको supervised और administer कौन कर रहा है, एक ऐसी body जो संविधान के द्वारा बनाई गई है। आपको पता है election commission of India हमारे देश की संविधानिक body है ना, एक constitutional body है ना वो, ठीक है, तो वो उसको एडमिनिस्टर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जो आपके वोटर्स हैं उनको बचाने का, उनकी प्रोटेक्शन का, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, चाहे वो आपका आर्टिकल 21 में राइट टू लीड अ हेल्थी लाइफ ही क्यों ना हो, या आपका पूरा पूरा आपका
आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वहाँ की गवर्नमेंट की जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है, उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है बन जाती है, ठीक है। स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट एंड द ईसीआई टू प्रोटेक्ट वोटर्स इन द एरेना ऑफ वोटिंग आर नॉट एन एक्स्ट्रा एक्ट ऑफ गुडविल बट अ ड्यूटी परफॉर्म टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ना, ये जो ईसीआई और जो गवर्नमेंट है वो लोगों की प्रोटेक्शन करेगी ताकि बारिश से वो लोग बच के रहें, ठीक है, उनकी लाइफ पर खतरा ना बने। तो ये कोई एक्स्ट्रा एक्ट ऑफ गुडविल नहीं है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको पूरी करनी चाहिए, उनकी ड्यूटी है, ये उनका फर्ज है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए इलेक्शन जब होते हैं तो पोलिंग बूथ में आप वो उनकी जिम्मेदारी है ना कि आपको टेररिज्म और क्रिमिनल्स इन सबसे बचाएंगे, ठीक है। तो उनकी ड्यूटी फिर ये भी होनी चाहिए कि भाई अगर बीमारी फैल दिया तो बीमारी से भी हमें प्रोटेक्शन को देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट हमें देना चाहिए, ऐसे हमें प्रोसीजर्स, ऐसे हमें प्रोटोकॉल्स जो है ऐसे अप्लाई करने चाहिए जिससे कि इनके लाइफ पे इनकी वजह इनकी गलती ना होने के बावजूद भी कोई खतरा बने, ठीक है। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन फोर स्टेट्स और पुडुचेरी। पुडुचेरी मैं आपको बताना अभी स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, कौन कौन से थे आपके, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है। तो इनमें अगर हम रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या देखें तो वो आपकी होती है 17,74,50,325। कितना बड़ा ये अमाउंट है सोच लीजिए, कितना बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और पोलिंग स्टेशन आपके 1,86,976, ठीक है। और इसमें अगर हम जो आपके जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, जो आपके पर्सनल होते हैं वहाँ पे, जैसे आपके जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है या फिर आपके सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, ठीक है, उनका नंबर भी अगर हम डाल दें तो फिर तो एक बहुत बड़ा इमेंस अमाउंट हो जाता है जिनकी हेल्थ पे या लाइफ पे जो है खतरा बन जाता है, ठीक है। और टेक दीज स्टेप्स, अब कुछ स्टेप्स जो है रिकमेंड किए गए हैं, ठीक है। पहला आपका है कि जो आपके पर्सनल है जिनको ड्यूटी लगी, जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है, ठीक है, उनमें उनको जो है प्रायोरिटी कैटेगरी में उनको काउंट करें, ठीक है। आपको पता है प्रायोरिटी कैटेगरी में कौन आपके आते हैं, ठीक है, जिनको जो है पहले वैक्सीनेशन जिनकी करने की बात कही जा रही है, ठीक है। आपके फ्रंट लाइन जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपकी पुलिस फोर्स में, जो आपके डिफेंस फोर्सेस में है, उनको प्रायोरिटी कैटेगरी में रखा जा रहा है, ठीक है, कि अगर वैक्सीन हमारे देश में जब अप्रूव हो जाएगी तो सबसे पहले जो है हम इसको इनको देंगे, ठीक है। तो आपके जो इनका जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि इसमें जो है आप इलेक्शन ड्यूटी जिनकी लगती है, जो आपके इलेक्शन ड्यूटी के जो पर्सनल होते हैं, ठीक है, उनमें उनको भी आप जो है इस कैटेगरी में इंक्लूड कीजिए और उनको भी प्रायोरिटी पे वैक्सीन दीजिए, ठीक है। देन आपका सेकेंड है, एवरी वोटर एंटरिंग अ बूथ हैज टू बी वेयरिंग अ मास्क, ठीक है। ये तो मतलब हर जगह का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आजकल आप कहीं भी चले जाइए, आप पार्क में भी जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे आपका मास्क पहनना कंपल्सरी अब है ही है, ठीक है। तो इलेक्शन बूथ में भी आपको ये कंपल्सरी करना चाहिए, ठीक है। और इफ नॉट वेयरिंग वन, ही और सी शुड बी आस्क्ड टू गो बैक एंड रिटर्निंग वेयरिंग वन, ठीक है। अगर कोई नहीं आता है मास्क पहन के, तो उसको आप रोकिए, उसको कहिए कि अगर आपको वोट देना है तो जाइए, पहले मास्क पहन कर आइए, बिना मास्क के आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको जो है वोट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। थ्री सीनियर वोटर्स शुड थ्री देन आपका जो थर्ड रिकमेंडेशन है वो आपकी, सीनियर वोटर शुड बी एडवाइज एंड एनेबल टू वोट इन द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द वोटिंग यूजिंग अ सेपरेट क्विलिन, ठीक है। तो आपकी थर्ड रिकमेंडेशन है कि जबकि सीनियर वोटर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है आपको अलाउ करना चाहिए कि वो दिन के पहले 3 घंटे जो आपके पोलिंग आवर्स होंगे उनके पहले 3 घंटों में जो है उनको वोटिंग करने का पूरा पूरा लाइन मिले, और उनकी लाइन होगी जो वो भी जो है सबसे अलग बनाई जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वो ज्यादा वल्नरेबल है किसी डिजीज के, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनकी एज एज ज्यादा है, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको अलग रखना चाहिए और जो है उनको पहले 3 घंटे में उनको वोटिंग करने के लिए बुलाना चाहिए, ठीक है। फ्री, फेयर एंड सेफ शुड बी द मोटो फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्शन, अज्यूमिंग दे विल टेक प्लेस, अ बिग एंड आर्डेंट अजम्पशन फॉर सब राइजिंग ऑफ द न्यू वेरियंट इन ब्रिटेन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री एंड फेयर के बाद ये जो सेफ है ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो फ्री, फेयर एंड सेफ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फ्री फेयर रहता था सिर्फ, ठीक है, लेकिन आपको पता है अभी ये कोरोना का काल है तो इसमें अब इसमें क्या इंक्लूड हो गया, इसमें आपका सेफ भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। इलेक्शन हेल्ड इन द टेरर जोन आर सिक्योर्ड अगेंस्ट वायलेंस, सो मस्ट इलेक्शन इन अ पैंडेमिक बी रेस्क्यूड फ्रॉम द वायरस सो एज टू सेव नॉट जस्ट वन सीरीज ऑफ बैलेटिंग बट डेमोक्रेसी इटसेल्फ, ठीक है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म कितना आता, लेकिन वहां पर भी आपके डीडीसी के इलेक्शन अब हो गए, ठीक है, सक्सेसफुली हो गए ना। तो ऐसे ही आपके जो ये इलेक्शन जो हो रहे हैं आपके पैंडेमिक के वक्त, इनको भी जो है आपको वायरस से सिक्योर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी वायरस के ऊपर भी विजय हो और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी भी विजय हो, ठीक है, वो भी जो है जीते, ठीक
The undemocratic temper and emergency swirled one into the another, not allowing the virus emergency and election surge would be a victory of for democracy as much as for public. ठीक है, वही बात यहाँ पर है कि अगर हम इलेक्शन सर्च को अवॉइड कर देंगे कि इलेक्शन की वजह से हमारे केस में एक स्पाइक आ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए तो रहेगी, हमारे लोकतंत्र के लिए तो ये विजय होगी ही होगी, साथ में ये हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए भी विजय होगी. ठीक है, उनकी भी ये जीत होगी. सेकेंड आपका द टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पीस. ठीक है, कुछ दिनों पहले आपको पता है कि विस्ट्रॉन की जो आपकी यूनिट थी कर्नाटका में, वहां पर आपको वॉल्यूम्स देखने को मिलती थी, वहां पर डैमेज अच्छा खासा हुआ था कंपनी को. ठीक है, तो अब ये उसी के ऊपर आर्टिकल है, कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर है, मतलब लेबर लो, उनके सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा के ऊपर है. ठीक है, आपको पता है कि हुआ था. ठीक है, तो अब जो है एप्पल ने जो विस्ट्रॉन कंपनी है उसको नए ऑर्डर भी अभी नहीं दिए, उसको होल्ड पे रखा है, क्योंकि ऐसी कई सारी न्यूज जो है वो उड़ रही है कि जो विस्ट्रॉन है उसका अपने जो उसके लेबर्स हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, उनके साथ जो बिहेवियर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता. ठीक है, काफी ज्यादा सीरियस लैप्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, प्रेशर्ड बाय एप्पल्स रिस्पॉन्स विस्ट्रॉन हैज ऑल्सो बीन फोर्स टू अपोलोजाइज टू द वर्कर्स. ठीक है, तो विस्ट्रॉन ने अब माफी भी मांगी, क्योंकि एप्पल का जो रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट आया है विस्ट्रॉन के ऊपर. ठीक है, रिमूव इट्स वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ इंडिया. इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको भी रिमूव कर दिया गया है, और करेक्टिव मेजर्स और वर्कर जो ग्रीवेंसेस है उनको भी एड्रेस करने की बात की गई है. ठीक है, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट अनलाइक द प्रेजेंट केस, अदर केसेस ऑफ वॉयलेंट लेबर कंटेंशन इन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग हाई एंड टेक्नोलॉजिकल डिवाइस इन इंडिया. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया आपका कि जो पहले के आपके जो केसेस थे ना ऐसे सिमिलर, ठीक है, उनको इतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी कि विस्ट्रॉन वाले केस को भी मिली है. ठीक है, और अच्छा हुआ कि ये अटेंशन मिल गई, जिससे कि हमें पता लग सका कि भाई कैसी हालत थी वहाँ पे, लेबर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, क्या क्या वहाँ पर है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था. ठीक है, तो पहले के आपके इंसिडेंट थे उनको इतनी अटेंशन नहीं मिली थी. ठीक है, चाहे वो आपके दिल्ली एनसीआर में क्यों ना हुए 2017 और 18 में जो आपके हुए थे. चाइना एक्सपीरियंस द लेबर कंटेंशन एंड द रिजल्टेंट वॉल्यूम्स एट द विस्ट्रॉन फैसिलिटी कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड बेटर बाय टेकिंग इनटू कॉग्निशंस द ऑपरेशंस ऑफ ताइवानीज सप्लायर्स. ठीक है, आपको पता है कि विस्ट्रॉन जो आपकी कंपनी है ये आपकी ताइवान की है, आपकी सप्लायर है. ठीक है, ये आपकी ठीक है, तो ये आपकी ताइवान की है, तो इसका इसकी जो आपकी यूनिट्स है ना वो बहुत सारे देशों में प्रेजेंट है. ठीक है, चाइना में भी है. ठीक है, तो चाइना का अगर इसका आप देखेंगे ना, इसके आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो चाइना में भी ऐसी बहुत सारी न्यूज जो है वो निकल कर आ चुकी है. ठीक है, बिगिनिंग इनिशियली फ्रॉम द कोस्ट इन सदर्न चाइना दीज सप्लायर्स हैव ग्रेजुअली एक्सपेंडेड अक्रॉस द मेनलैंड सपोर्टेड बाय लैविश इंसेंटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो आपको पता है आपकी एक फॉक्सकॉन भी एक है, आपकी फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन एंड सॉरी फॉक्सकॉन देन आपका विस्ट्रॉन. ठीक है, तो अब ये पहले आपका सिर्फ सदर्न चाइना में जो आपका कोस्टल एरिया था ना वहीं पे इनकी जो है यूनिट्स थी, लेकिन अब आपका ये मेनलैंड में भी आ चुका है. ठीक है, अब इनको नए इंसेंटिव दिए जाते हैं कि आप आइए. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाता है एंड देन पॉलिसीज तो रहती हैं फेवर में गवर्नमेंट की. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए. ठीक है, और वर्कर्स के लिए ट्रोमा कैसे है. ठीक है, आपको पता है कि जितने भी आपके स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चाहे एप्पल ही क्यों ना है, ठीक है, वो स्मार्ट डिवाइसेस बनाते हैं. ठीक है, बिल्कुल तेज स्पीड पे कि 24/7 जो है उनकी जो यूनिट्स है उनमें काम चलता रहे. ठीक है, तो ये काम चलता रहेगा चलो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनुफैक्चरिंग होगी अच्छी बात है, जीडीपी बढ़ेगी. लेकिन जो इसका बर्डन आता है वो आपका बर्डन किसके ऊपर आता है, वो आपका आता है वर्कर्स के ऊपर. ठीक है, उनकी जो कंडीशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श रहती है, ओवर टाइम उन लोगों को करना पड़ता है, जो उनके शिफ्ट उनके वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत लंबे रहते हैं, ब्रेक जो है भी कम रहते हैं, और जो सुपरवाइजर होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, और उस पर डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा ही वो मांग करता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वर्कर्स के लिए एक ट्रोमा जैसी कंडीशन जो है हो जाती है, ट्रोमेटिक कंडीशन जो है हो जाती है. ठीक है, ऊपर से लो पे जो उनको वेजेस मिलती है, जो उनको दिहाड़ी मिलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते. ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब है ये, तो ये सब पे तो होने से ज़्यादा. ठीक है, तो इनके लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का ये स्ट्रेस जो है उनको सहना पड़ता है. इन 2010 फॉक्सकॉन वाज फेस्ड विद द स्प्रेड ऑफ सुसाइड्स बाय वर्कर्स अक्रॉस इट्स फैसिलिटीज इन चाइना. ठीक है, आपको पता है कि 2010 में जो फॉक्सकॉन आपकी कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स का सुसाइड भी हमें देखने को मिला था. ठीक है, चाइना में. ठीक है, जिसके बाद एप्पल ने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया था, सिर्फ फॉक्सकॉन पर वो डिपेंड नहीं रहा था. और यही रीजन है कि आज आप अगर देखेंगे ना तो बहुत सारी बिल्डिंग्स में जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज है वहाँ पर आपको वायर नेटिंग मिल जाती है, जो कि
इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं इस बात का डर गवर्नमेंट को रहता है, इस बात का डर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को रहता है कि यहाँ से जो कंडीशन जो यहाँ पे बन जाती है ना, उसके बाद लोग सुसाइड कर सकते हैं। जो वर्कर है वो स्ट्रेस इतना नहीं सह पाते, वो सुसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिस वजह से वहाँ पर क्या लगा दी जाती है, वायर नेटिंग, कि यहाँ से कोई कूद कर सुसाइड ना कर सके, ठीक है। वायर नेटिंग लगा दी जाती है वहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह की जो है नेटिंग वहाँ पर लगा दी जाती है। अनदर प्रिवेलेंट फेनोमेना इज दैट ऑफ अनपेड फोर्स स्टूडेंट इंटर्नशिप टू फिल शॉर्टेजेस इन लेबर सप्लाई एंड ऑफसेट कॉस्ट, ठीक है। तो एक और फेनोमेना है वो आपका स्टूडेंट इंटर्नशिप का, ठीक है। अगर कोई लेबर में कोई शॉर्टेज है तो वहाँ पर जो आपका स्टूडेंट्स को लगा दिया जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर कंपल्सरी एम्प्लॉयड, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द सेम एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन, ठीक है। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जिसका मतलब जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उनको भी वहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी जो काउंटिंग हम करेंगे वो वर्कर्स में तो होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्लिगेशन जो स्टेट के ऊपर रहती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स देने एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उनके ऊपर से हट जाती है, ठीक है। तो मतलब एडवांटेज है ये कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। देन आपका सेफ गार्ड वर्सेज इन्वेस्टमेंट, द मैनी दैट मैनी ऑफ दीज एक्सप्लॉयटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस एंड वॉलेशंस ऑफ सेफ गार्ड कुड बी कैरिड ओवर व्हेन दीज फैसिलिटीज मूव इनटू द इंडियन टेरेन। देखो पता है कि इंडिया में पहले से बहुत हालत खराब है, ठीक है। इंडिया में तो पहले से कुछ काफी ज्यादा प्रीवेलेंट है ये सब, ठीक है। तो अब जब इंडिया में ये फैसिलिटी मूव हो गई विस्टोन की, तो कहीं ना कहीं ये सब होना थोड़ा हम प्रीएम्प्टेड था, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन दे कंबाइन विद द प्रीकैरिटीज ऑलरेडी एम्बेडेड इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द कॉन्सिक्वेंसेज आर डेबिलिएटिंग फॉर लेबर, ठीक है। अब जब ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो स्थिति है, अगर उसके साथ ये कहीं ना कहीं एम्बेड हो गई, तो जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, और भी ज्यादा। दिस बिकम्स ऑल द मोर प्रेडिटेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग कीननेस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया टू अट्रैक्ट ताइवानीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ताइवान का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में आए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि चलो ठीक है, आप अगर इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हो तो अच्छी बात है, मंगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देश हमारा आगे बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यार लेबर का लेबर की जो स्थिति है वो कैसी है, ठीक है। क्योंकि यार वो है तो वो भी इंसान ही, ठीक है। अब उनको अपना घर चलाना है, उनको अपना पेट पालना है, ठीक है। तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कम से कम ह्यूमन राइट्स का ध्यान, उनका उनका ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इतना भी ज्यादा हमें कमर्शियल या फिर मॉनेटरी गेम्स में नहीं घुस जाना चाहिए। द पासिंग ऑफ द न्यू लेबर कोड फर्दर इरोड्स एग्जिस्टिंग मॉडिकम ऑफ लेबर प्रोटेक्शन, द फियर ऑफ फ्लाइट ऑफ कैपिटल कपल्ड विद वीक स्टेट कैपेसिटी सुपरविजन मेक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिलक्टेंट टू स्टेप इन अनलेस थिंग्स एस्केलेट, ठीक है। आपको पता है लेबर कोड इतने ज्यादा हमारे देश में अच्छे हैं नहीं, पहले से ही नहीं है। कुछ आपके आपके रिसेंटली लेबर कोड पास भी किए गए, जिनको लेके काफी ज्यादा जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, ठीक है। फार्मर प्रोटेस्ट ऐसे तो नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है बहुत सारे ट्रेड यूनियंस ने उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। अब साथ में आपका गवर्नमेंट का वो हो गया, साथ में आपका गवर्नमेंट का डर है फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमारे देश से इन्वेस्टमेंट ना चली जाए, ठीक है, हमारे जो फॉरेन कंट्रीज है वो ना चली जाए, ठीक है। गवर्नमेंट को इस बात का डर है, ठीक है। और साथ में जो हमारी स्टेट कैपेसिटी है इन सबको कंट्रोल करने की, सुपरवाइज करने की, वो भी वीक है, ठीक है। तो इन दोनों का जब एक जुड़ाव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि गवर्नमेंट जब तक चीजें एस्केलेट नहीं करती, जब जब तक कि चीजें सॉरी मतलब सॉरी कहाँ था मैं, हाँ, कि गवर्नमेंट को ये भी डर है कि जो आपका कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं उड़ के बाहर ना चली जाए, ठीक है। अगर हम कुछ ज्यादा इनको बोल देंगे, कुछ ज्यादा इन पे हम अगर लेबर लॉ लगा देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किसी और कंट्री में चली जाएगी। तो गवर्नमेंट को इस बात का एक डर हो गया। और सेकेंड आपका कि गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज इतना नहीं करती, इतना ज्यादा जो इनको सुपरविजन है वो नहीं करती, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जब हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करती, ठीक है। और अगर चीजें एस्केलेट हो जाए तो कहीं फाइनली जाकर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमारा विस्टोन वाले केस में हुआ, ठीक है। अगर चीजें ये सारी पब्लिक डोमेन में नहीं आती, सोशल मीडिया पर नहीं आती, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें भी जो है इंटरवेंशन नहीं करती। इन द एब्सेंस ऑफ एवेन्यूज फॉर वर्कर्स टू चैनलाइज देयर ग्रीवेंसेस, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन एंड यूनियंस एंड एडुकेट कलेक्टिव बार्गेनिंग मैकेनिज्म एज वेल एज सोशल डायलॉग, फ्रीक्वेंट लेबर अनरेस्ट इंक्लूडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन कुड वेरी वेल बी क्लियरली रियलिटी इन दिस हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है। अगर आप वर्कर्स को ये सब नहीं देंगे, वर्कर्स के पास अगर अपनी ग्रीवेंसेस को सामने रखने का, उनको एड्रेस करवाने का कोई सोर्स या मीडियम उनके पास नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं
ये जो आपकी कन्फ्रंटेशन है, चाहे वो वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन ही क्यों ना हो, ये सब कुछ बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट बन जाएगा। ये सब जो है बिल्कुल डेली रियलिटी बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप उनको उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाने का मौका दीजिए, कुछ ऐसे मैकेनिज्म प्लेस में लाइए, कुछ ऐसे रेगुलेशन बनाइए, लॉ बनाइए, ठीक है, जिससे कि वो अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर पाए। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ही गवर्नमेंट के भी हित में रहेगा, लोगों के भी हित में रहेगा, और जो आपकी कंपनी है उनके भी हित में रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये सब कुछ होगा तो आपके लेबर है ना, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, वो भी अपनी पूरी पूरी आपके लिए लॉयल्टी दिखाएंगे, पूरी पूरी जो है अपनी डिटर्मिनेशन जो है दिखाएंगे। ठीक है, थर्ड आर्टिकल आपका है वोकल फॉर लोकल। ठीक है, आपको पता है कि डीडीसी में आपके पहली बार, सॉरी आपके जेएनके में आपके पहली बार डीडीसी के पोल करवाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पोल करवाए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो आपकी राइवल पार्टीज थी ना, जो आपकी थी जो पहले मतलब दुश्मन थे दूसरे, जैसे कि आपके पीडीपी एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी जो है अब एक एक साथ दोस्त के रूप में बन के उतरे थे। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि इनका एक वो बन चुका है, अलायंस बन चुका है, दैट इज गुपकार डिक्लेरेशन इनका बन चुका है, जिसमें आपकी 6 पार्टीज टोटल आती हैं। ठीक है, तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी ज्यादा इसमें अच्छा रहा है। ठीक है, द 6 पार्टी प्लेटफॉर्म कंसोलिडेटेड वोट्स इन 9 आउट ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट इन द कश्मीर वैली। ठीक है, तो मतलब कश्मीर के जो 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर इन्होंने अब अपने वोट्स जो है कंसोलिडेट पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो उनके लिए काफी ज्यादा एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि अच्छी बात आई है उनके लिए, काफी ज्यादा अच्छी विन है। ठीक है, अलायंस ने 110 जो है सीट्स जो है वो जीती हैं। ठीक है, टोटल आपकी 280 सीट्स थी, एंड बीजेपी ने 75 सीट्स आपकी जीती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो कि बीजेपी है वो आपकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। द अलायंस सीज द पोल रिजल्ट एज अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएंडके। ठीक है, तो जो आपका गुपकार डिक्लेरेशन है, उन्होंने तो इस रिजल्ट को कैसे देखा है कि ये जो है स्टेट का, जो हमारे देश की गवर्नमेंट का जो था पार्लियामेंट में जो बिल पास किया गया था अगस्त 5 को 2019 लास्ट ईयर, ठीक है, जिससे कि आपका स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था। ठीक है, तो अलायंस का ये कहना है कि ये जो रिजल्ट आए हैं ना, ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। ठीक है, अब मतलब इस पोल से आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल भी उसके हित में नहीं है, वो लोग हमारे साथ हैं, वो लोग भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, ऐसा गुपकार डिक्लेरेशन का कहना है, उनकी पार्टीज का कहना है। ठीक है, इसी वजह से लोगों ने हमारे लिए वोट किया है। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट इलेक्टोरल प्रोसेस आफ्टर द सेंटर एंडेड जे एंड के स्पेशल स्टेटस। ठीक है, आपको पता है कि ये पहला इलेक्टोरल प्रोसेस है। ठीक है, जब लास्ट ईयर स्पेशल स्टेटस हटाया गया था उसके बाद से, एंड द अलायंस हैड प्लेज्ड टू फाइट फॉर इट्स रिस्टोरेशन। आपको पता है कि अलायंस तो ये बना ही वजह से था कि हम जो है फिर से आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 35A को वापस लेकर आएंगे। ठीक है, वो तो उनका तो मोटिव यही था जिसकी वजह से ये बनाया गया था ये अलायंस। ठीक है, द फियर्स ऑफ द रीजनल पार्टीज दैट द पोल्स मे बी रिग्ड वर अलर्टेड बाय द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आपको पता है कि इनको कहीं ना कहीं डर था, जो आपकी रीजनल पार्टीज हैं, जैसा कि ये गुपकार डिक्लेरेशन में इतनी आपकी पार्टीज हैं, ये पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि जो इलेक्शन होंगे वो आपके रिग्ड इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें आपकी बीजेपी इंटरफेरेंस कर सकती है, उनका ये डर था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद उन लोगों को इस बात से शांति मिली होगी कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड नहीं थे, इलेक्शन आपके बिल्कुल ही ज्यादा सही थे, बिल्कुल फ्री एंड फेयर थे। ठीक है, हाउएवर द विड्रोल ऑफ द सिक्योरिटी टू लीडर्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ कुपकार अलायंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर कैंपेनिंग हैड रेज कंसर्न्स अबाउट द प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जो सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस थी, जो कैंडिडेट्स को मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, वो उसने कहीं ना कहीं थोड़ी कंसर्न्स जो है, चिंता जो है वो जो है रेज की थी। द पोल्स हाउएवर केम टू बी सीन एज द रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जेएनके, विच सो अरेस्ट ऑफ मोस्ट रीजनल लीडर्स लास्ट ईयर एंड द सस्पेंशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो पोल्स आपको पता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो फिर से रिस्टोर हुआ है, ठीक है, इन पोल्स के आने से। ठीक है, तो इसकी वजह से इन पोल्स की सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के बाद से ये पहली कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पीपल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। ठीक है, लोकतांत्रिक ये एक एक्सरसाइज थी। ठीक है, दिस पोल्स ऑल्सो स्टैंड आउट फॉर बींग अ रेयर इलेक्टोरल प्रोसेस इन द पास्ट 30 ईयर्स वे द मिलिटेंट आउटफिट्स एंड द सेपरेटिस्ट ग्रुप्स डिड नॉट कैंपेन विगरोसली फॉर अ बॉयकॉट। ठीक है, पिछले 30 सालों में ये एक ऐसा पहला मौका था जब ये आपकी मिलिटेंट आउटफिट्स, जो आपके सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने पोल बॉयकॉट के नारे नहीं लगाए, पोल बॉयकॉट के लिए जो है कैंपेनिंग नहीं की। ठीक है, तो मतलब ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अब उनका जो रोल था वो कम हो रहा है वहाँ की राजनीति से। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है।
Frequent encounters and locals joining militancy in the past 1 year in South Kashmir did impact the turnout, where most segments saw less than 20%. ठीक है, लेकिन turnout में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली. ठीक है, कहीं ना और कुछ जगहों पर तो 20% से कम हमें turnout देखने को मिला. The center must appreciate the role of regional parties in moving towards peace and stability in J&K. Restoration of statehood and holding of the assembly elections are vital. ठीक है, आपको बताया कि रीजनल पार्टीज का रोल हमेशा रहेगा वहाँ पर. ठीक है, तो रीजनल पार्टीज को जो है सेंटर को अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल के राइटर्स का राइटर का कहना है. ठीक है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं यार, आपको डेमोक्रेसी हेल्दी चाहिए बिल्कुल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुश्मन बन गए आप लोग, क्योंकि आपने एक दूसरे के अगेंस्ट में अगर आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, तो दुश्मन नहीं बन गए आपका, क्योंकि आपका भी एम वही है, आप लोगों को पीपल को सर्व करना है. ठीक है, और हमें भी पीपल को सर्व करना है. ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है, आप लोग मिलकर कीजिए, चाहे अलग अलग रह के कीजिए, लेकिन एक दूसरे को आपको सपोर्ट कीजिए. मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो चलता रहना चाहिए. ठीक है, नेपाल कैसी फॉरवर्ड्स पिटिशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. ठीक है, तो आपको पता है कि केपी शर्मा ओली ने वहाँ के पार्लियामेंट को डिजोल्व करने की बात कह दी है, और जो आपके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस बात पे अपनी रजामंदी दे दी है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन पिटीशन को किसको रेफर कर दिया है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को. ठीक है, संवैधानिक बेंच को जो है इसको रेफर कर दिया है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस चौरेंद्र शमशेर जेबी राणा विल स्टार्ट हियरिंग द पिटीशन फ्रॉम फ्राइडे. ठीक है, तो आपकी जो संवैधानिक जो बेंच है वो आपकी फ्राइडे से जो है इसकी हियरिंग स्टार्ट करेगी. ठीक है, द बेंच विल एग्जामिन द constitutionality of the decision to dissolve the house, especially as the 2015 constitution does not allow for such a move for political necessity. ठीक है, तो इसमें आपकी चेक की जाएगी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ये किया गया है नहीं किया गया है. ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपकी क्या चीज क्या चेक किया जाएगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. ठीक है, संवैधानिकता चेक की जाएगी कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है. ठीक है, जुडिशियल इंटरवेंशन हाउएवर इज अनलाइकली टू रिपेयर द ब्रोकन अफेयर्स ऑफ द एनसीपी व्हिच इज नाउ फेयरली डिवाइडेड बिटवीन द फैक्शंस लेड बाय मिस्टर ओली एंड हिज चैलेंजर्स मिस्टर प्रचंड एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार नेपाल. ठीक है, तो अब एनसीपी में तो कोई चेंजेस हम ये देख सकते हैं कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं सहमति बन जाएगी, ये ऐसी उम्मीद हमें नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो अब हमें ये भी पूरी पूरी उम्मीद है कि एनसीपी का जो है बंटवारा जो है स्प्लिट जो है वो फिर से हो जाएगा. ठीक है, तो अब कुछ अदर न्यूज की बात करें. ठीक है, तो कैबिनेट नोट 400% एफडीआई डीटीएस सर्विस. ठीक है, जबकि डायरेक्ट होम सर्विस है उसमें आपका गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया 100% एफडीआई. ठीक है, चेंजेस टू एससी स्कॉलरशिप स्कीम गेट गवर्नमेंट अप्रूवल. तो जो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड जो आपकी स्कॉलरशिप स्कीम थी, ठीक है, उसका जो गवर्नमेंट का अप्रूवल है वो मिल गया है. ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट गिव्स को हेडफोर्ट जल्लीकट्टू. जल्लीकट्टू आपको पता है जो स्पोर्ट्स है. ठीक है, जो एक किया जाता है तो ठीक है, तो उसको भी जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि आप जो है इसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कुछ. ठीक है, कि 300 जो है आपके पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं. ठीक है, और साथ में इसमें आपके कोविड टेस्ट भी इसमें किए जाएंगे. एरो इंडिया टू बी हेल्ड फॉर 3 डेज ओनली. जो आपका एरो इंडिया का जो इवेंट है वो आपका सिर्फ 3 दिन के लिए करवाया जाएगा. यूके स्ट्रेन अनलाइकली टू अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीन. आपका साइंटिस्ट का कहना है कि जो आपका यूके का जो म्यूटेड स्ट्रेन है, कहीं ना कहीं उस पर जो हमारी वैक्सीन की एफिशिएंसी है वो कहीं वो कम होने की आशंका हमें नहीं है. कहीं ना कहीं वो भी जो है जो वैक्सीन जो आपकी है वो उस स्ट्रेन पे भी बराबर का अपना वो दिखाएंगे, इफेक्ट दिखाएंगे, उनको कम जो है न्यूट्रलाइज करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी. ठीक है, पुतिन एक्सपेक्ट टाइज विद द यूएस टू रिमेन सेम अंडर बाइडेन. ठीक है, तो आपके जो रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन, वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनके रिश्ते जो अमेरिका के साथ अभी हैं वो जो बाइडेन के आने के बाद भी वैसे के वैसे रहेंगे, कोई ज्यादा उसमें चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, आपको एनालिसिस ये पूरा हो गया होगा. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब अचीव आईएएस.